देख रहे हैं मनी गुरु, मैं हूं स्वाति रायना। बस बीते शुक्रवार को ही बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा और उसके साथ ही निवेशकों के मन में कई सवाल उठने लगे, एक्साइटमेंट होने लगी और थोड़ी बहुत अनिश्चितता भी बनी रही कि आखिरकार बाजार की इस बढ़त में क्या किया जाए। अब ऐसे में कई जो निवेशक होते हैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे बदलाव करने लगते हैं, इक्विटीज में निवेश करने लगते हैं, कई लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए बाजार की ऊंचाई में निवेशकों को क्या करना चाहिए, आज मनीगुरु में हम यही जानेंगे। वहीं साथ में ये भी कि बाजार में ऊंचाई के बाद गिरावट भी आती है, तो ऐसे में भी निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज मौजूद है। हमारे साथ है फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है मनीगुरु के आज के इस स्पेशल एपिसोड में। बाजार रिकॉर्ड हाई पर, डेफिनेटली हर किसी में खुशी का माहौल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, निवेशक जो होते हैं वो आखिरकार उनके माइंड में क्या चीजें चल रही होती है जब बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है, कि एसआईपी करे, कैसे करे, मोटा मुनाफा कैसे कमाए और ऐसे में कर जाते हैं कई गलतियां। तो सबसे पहले आप बताइए, जब बाजार हाई पर पहुंचता है तो निवेशकों के मन में क्या चलता है? देखिए, आई थिंक जहां लोगों को जो ग्रीड है वो टेक ओवर करती है, जो इमोशन, जो जज्बात होते हैं उसमें एक ग्रीड सी होती है और लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक एक कॉमन सेंस के हिसाब से कम होना चाहिए निवेश। बट मार्केट जब नीचे होती है, जब जब गिरावट आती है, तब लोग डर के निवेश अपना बंद करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो भी एनालाइज किए हैं हमने अब तक, रिसर्च की थी एक, तो जब भी मार्केट गिरती है तो मैक्सिमम एसआईपी स्टॉपेजेस होती हैं, जो कि गलत समय होता है। इनफैक्ट एक निवेशक को अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना पड़ता है ताकि वो नीचे गिरी हुई मार्केट का फायदा उठा सके और ज्यादा यूनिट्स म्यूचुअल फंड के एक्वायर कर सके। सो नेट नेट स्वाति जी, आई थिंक इमोशंस टेक ओवर करते हैं मार्केट जब बहुत ज्यादा भागती है या फिर बहुत ज्यादा गिरती है। ऐसे समय में डेफिनेटली एक निवेशक के जज्बात थोड़े जाग जाते हैं और वो गलत निर्णय लेने की काफी संभावना होती है उनकी। तो बिहेवियर आपने बताया कि आखिरकार जो निवेशक होते हैं ऐसे में क्या करते हैं, और इस तेजी में या फिर कई बार तेजी के बाद अब ये भी फिरोज ऐसा होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता है या गिरावट भी आती है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इधर भी जो निवेशकों का बिहेवियर है वो काफी ज्यादा बदल जाता है। अब गिरावट में अब निवेशक ये सोचते हैं कि खरीदारी का मौका है या क्या करें, तो गिरावट में बिहेवियर कैसे चेंज होता है निवेशकों का? ठीक है, जब गिरावट होती है तो एक इंसान को अपने जो निवेश के जो रकम है उसमें अगर नुकसान या घाटा दिखता है तो वो ज्यादातर अपना निवेश बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अगर वो गोल के हिसाब से चलें तो उनको अपना निवेश बंद नहीं करना होता है। ये देखा गया है, अगर हम देखें वर्स्ट मंथ्स, फॉर एग्जांपल फरवरी 2016, बजट के बाद मार्केट बहुत कम गई थी, 7000 निफ्टी तक, 6900 तक निफ्टी तक गई थी, तो उस महीने ये देखा गया है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स काफ़ी सारी लाखों की मात्रा में रोक दी गई। ये इन्वेस्टर बिहेवियर है, जब भी मार्केट नीचे होती है तो रिडेम्पशंस करते हैं, जो कि गलत रणनीति होगी। इनफैक्ट नीचे होती है तो आपको ज़्यादा निवेश करना है, जैसे आपको अगर शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट होता है तो आप ज्यादा खरीदारी करते हैं, वैसे ही स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है, आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको ज्यादा खरीदारी करनी है। ओके, तो ये जब बाजार में तेजी है या बाजार में गिरावट, निवेशकों को अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए मुकेश जी का ईमेल सबसे पहले हम लेते हैं। मुकेश जी जयपुर से हमें ईमेल भेज रहे हैं। फिरोज, कह रहे हैं कि ये एक नए इन्वेस्टर हैं, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप में इन्होंने निवेश किया है, 2000 रुपये प्रति महीने का इनका ये निवेश है, इतने की एसआईपी कर रहे हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए किन फंड्स में इन्हें निवेश करने की और जरूरत है? इनके लक्ष्य है बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 साल में 50 लाख रुपए और रिटायरमेंट के लिए 25 साल में इन्हें 1 करोड़ की रकम चाहिए।
तो मुकेश जी को स्वाति 2000 रुपये महीने से इनका जो लक्ष्य है वो पूरे होने की संभावना कम है। इनको 10,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी अपने दोनों लक्ष्य पूरा करने के लिए। सो मुकेश जी, आप जैसे आपकी आयु बढ़े वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना है और ये देखना है कि आप अपने राह पे डटे रहें ताकि दो लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो हैं 25 साल और 15 साल बच्चे की और रिटायरमेंट की, बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसमें अगर आपको अपना आउटकम अच्छा चाहिए तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रहा सवाल आपने जो हमें ईमेल जरिए भेजा है कि 2,000 रुपये पर मंथ आप SBI मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बरकरार रखें, वो अच्छा फंड है। उसमें एक फंड मैनेजर ना होके बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो अपने अपने सेक्टर के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे एनालिस्ट का इस फंड में उनकी काबिलियत इकट्ठी करके ये फंड मैनेज किया जा रहा है SBI के द्वारा, तो अच्छा स्कीम है, उसमें बने रहें। लार्ज कैप में आप दो एक स्कीम ऐड कर सकते हैं, मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी स्कीम, मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज अगर आप ऐड करेंगे अपने नए निवेश के लिए। मुकेश जी ऑल द बेस्ट, आपके जो लक्ष्य हैं पूरे होने की संभावना अच्छी हो जाएगी। चलिए मुकेश जी को तो अपने इस नए निवेश के लिए शुरुआत में ही हमारे एक्सपर्ट फिरोज से राय मिल गई है और उनकी तरफ से हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट अपने निवेश के लिए। आगे बढ़ते एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, राकेश जी हमारे साथ हरियाणा से है। राकेश जी बहुत स्वागत है सर मनी गुरु में आपका, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन मैम, थैंक यू। आपने सवाल भेजा है हमें और बैंकर हैं आप और निवेश करना चाहते हैं, जरा बताइए थोड़ा सा और क्या आपके गोल्स हैं जिसके तहत आप ये निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं? मैडम मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का प्लान है अगले 10 साल के लिए एंड आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट अराउंड ₹6,000 इन SIP फॉर 3,000 ईच, वन इन लार्ज कैप एंड वन इन मिड कैप। ठीक है, एंड फॉर लार्ज कैप आई हैव सिलेक्टेड आदित्य सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एंड फॉर मिड कैप आई हैव सिलेक्टेड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। आई वुड लाइक टू गेट द एक्सपर्ट्स एडवाइस ऑन दीज टू फंड्स। ठीक है, लार्ज कैप मिड कैप के एक एक कैटेगरी का फंड आपने चूज किया, ये खुद से सर चूज किया है कि किसी और एक्सपर्ट की राय लेकर? एक एक्सपर्ट की राय लेकर किया है मैंने। अच्छा, तो और इस पर शुभारंभ से पहले आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या करें। लार्ज कैप और एक मिड कैप का फंड इन्होंने चूज किया है फिरोज, जिसमें ये 3,000-3,000 रुपए की SIP करना चाहते हैं, 10 साल इनका होराइजन है इसमें निवेश करने का और रिस्क एपेटाइट भी कहते हैं इनका मीडियम है, तो बताइए ये फंड्स जो इन्होंने चूज किए हैं सही है या किसी और फंड की आप इनको सलाह देंगे? इन्होंने जो फंड चूज किए हैं दोनों ही अच्छे फंड हैं, SBI ब्लू चिप फंड, सोहनी जो फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करती हैं, लार्ज कैप स्कीम में है। सेबी के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये स्कीम में राकेश जी कोई बदलाव नहीं आया, सो SBI ब्लू चिप्स ऑब्जेक्टिव हैज बीन केप्ट इंटैक्ट। पॉइंट वन, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज भी एक अच्छा स्कीम है, चिराग सेतलवार जो है वो फंड मैनेजर हैं वो अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, रिलेटिव परफॉर्मेंस BSE मिड कैप को अच्छी तरह इन्होंने बीट किया है, तो काफ़ी दोनों अच्छी स्कीम्स हैं। बट अगर आपको कंटेम्पलेट करना हो तो HDFC के बास्केट में HDFC स्मॉल कैप एक छोटा फंड होगा अगेन मैनेज बाय द सेम फंड मैनेजर चिराग सेतलवार, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मिड कैप स्कीम में डाल रहे हैं तो आप वो 3,000 रुपये के दो हिस्से करके 1,500 रुपये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में डाल सकते हैं, 1,500 रुपये HDFC स्मॉल कैप में डालेंगे तो आपको पूरी मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा इन तीन स्कीम्स के द्वारा। सो जस्ट एड वन मोर स्कीम HDFC स्मॉल कैप, स्प्लिट द HDFC मनी इनटू टू पोर्शंस एंड बाय दीज टू स्कीम्स, सो यू विल हैव 3 SIPs। थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा बट आई थिंक इट विल बी वेल वर्थ इट। राकेश, चलिए राकेश जी के बाद एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है फिरोज, लाइव कॉलर है हमारे साथ गुजरात से जावेद साहब है। जावेद जी बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में, कैसे हैं आप सर? मैडम नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। बिल्कुल सर, बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मैडम मैं SIP करता हूँ, ये जी बिजनेस को देख के मैंने किया है जी। मैं मैडम 20,000 रुपए डालता हूँ, 5,000 रुपए SBI ग्लू चिप फंड में जी, 5,000 रुपए कोटक सिलेक्ट फोकस फंड में जी, 5,000 रुपए मेरा एसेट इमर्जिंग ग्लू चिप फंड में और 5,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल में। ओके, मेरा टाइम है मैडम 15 साल का, रिटायरमेंट प्लानिंग है मेरी और मैं एक फंड और लेना चाहता हूँ केनरा रोबेको। कौन सा सर? फंड, तो इसके लिए मुझे फिरोज सर से सलाह चाहिए, बताइए मैडम क्या करूँ? सर एक और फंड जो आपने कहा था कौन सा है वो? केनरा रोबेको इमर्जिंग ओके, ओके। फंड है ना, उसमें 5,000 रुपए डालना चाहता हूँ,
ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का फंड में बंद करना चाहता हूँ। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल बंद करके, ठीक है। फिरोज, चार फंड में निवेश है इनका, 20,000 रुपए का टोटल निवेश, 5,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं। इन्होंने फंड का नाम सुझाया जिसके बारे में जानना चाहते हैं और मोतीलाल ओसवाल में बंद करना चाहते हैं ये अपनी SIP। क्या आप इन्हें राय देंगे? जावेद जी को जो जो नया फंड खरीदना है कैनर और रेबेको इमर्जिंग एक्विटी, एक बहुत अच्छा फंड है, वेरी वेल मैनेज्ड फंड है। रेबेको एक बहुत अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कैनरा इंडियन डोमेस्टिक पार्टनर है, रेबेको फॉरेन पार्टनर है, उनके जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सो आई वुड सर्टनली सजेस्ट जावेद जी, आप ये बेफिक्र होकर ये 5,000 रुपये इस मिड कैप फंड में ज़रूर डाल सकते हैं। रहा सवाल मोतीलाल ओसवाल का, जो फोकस 35 होगा, जो आप एग्जिट करना चाहते हैं, उसमें फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की ऑलमोस्ट 45-47% की एक्सपोजर है, वो थोड़ा हाई स्क्यूड सेक्टर एक्सपोजर माना जाएगा। तो आई थिंक ये जो आपका एग्जिट का निर्णय है वो भी मैं आपको एंडोर्स करूंगा। आपका जो री इन्वेस्टमेंट कैनरा रेबेको में है उसको भी सजेस्ट करूंगा। बट रहा सवाल जो आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं मोतीलाल ओसवाल में, वो यूनिट्स को भी आप कैनरा रेबेको में मूव करेंगे तो बेहतर होगा, ना कि सिर्फ आपके फ्यूचर किश्तों को आप मूव करें, ऑलरेडी जो पैसे एक्यूमुलेट हो चुके हैं उसको भी मूव करने की आप कोशिश कर सकते हैं। एक और कॉलर लेते हैं गाजियाबाद से, छेदीलाल जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप सर? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए, आपने सवाल भी हमें भेजा है अपना। रिटायर आप हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से? जी हाँ, मैं 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ मैडम। हाँ। और मैं जो है जिस समय सर्विस में था उस समय मुझे म्यूचुअल फंड का ज्ञान नहीं था। उसके बाद जब 1 साल बचा तो मैंने देखा, तो मैंने रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल प्लानर को बुलाया और फाइनेंशियल प्लानर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बहुत बढ़िया सर, अब क्या प्लान है अब आपका? मैंने 50,000 रुपए महीने में मैं SIP करता हूँ। ये दोनों बैलेंस फंड थे, एक HDFC बैलेंस फंड था और एक जो है आदित्य बिरला का 96 था बैलेंस फंड, जो कि हाइब्रिड फंड हो गए हैं। हाँ, हाइब्रिड फंड्स हो गए। और मेरा लक्ष्य यह है कि मैं करीब 7 साल में, चूंकि मैं 62 ईयर का हो गया हूँ, मैं 70 साल की उम्र तक कम से कम 75 लाख रुपए कमा सकूं और एक फाउंडेशन बना सकूं अपने गांव में उन बच्चों के लिए जो कि गरीब हैं या जो बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं गांव से आता हूं और अभी गांव के लिए हमारा जो है कर्ज उतरा नहीं है। सर बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको कि आपने बहुत ही नेक इरादे के लिए हमारा ये माध्यम चुना है और आप रिटायरमेंट के बाद इस तरीके की सोच रख रहे हैं, बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं उनके पढ़ाई के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। रहा सवाल आपके निवेश का, आपके फंड्स का और आप कैसे इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं उस पर आए हम अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवाते हैं। फिरोज सर का पोर्टफोलियो आपके पास भी है, बताइए क्या इनकी रणनीति सही है? चिड़ीलाल जी को डेफिनेटली थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। दोनों फंड सर आप बैलेंस्ड फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस कैटेगरी में का सवाल है, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं थी तब उसमें इन्वेस्ट करने की थोड़ी ज़्यादा आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचता था। तो मेरे हिसाब से जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 4 फंड्स आप 10-10,000 रुपए के इक्विटी में खरीदिए और 10-15,000 रुपए डेट में डालिए। इस कॉम्बिनेशन से आपको बैलेंस तो मिल ही जाएगा और दोनों किस्म की फंड्स आपकी बेस्ट इन क्लास होंगी। ये दोनों स्कीम्स जो हैं बैलेंस्ड हैं, वो बेस्ट इन क्लास नहीं है। तो आप इक्विटी को सेपरेट रखें और डेट को सेपरेट रखेंगे तो आपका लक्ष्य पूरे होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इन दोनों को सेपरेट करने से 1-2% अधिक रिटर्न देखा गया है इन द पास्ट। सो मैं आपको 4 इक्विटी स्कीम सजेस्ट करूंगा, 1 डेट स्कीम सजेस्ट करूंगा। इक्विटी स्कीम में लार्ज कैप कैटेगरी में मिराय एसेट इंडिया इक्विटी एक अच्छा स्कीम होगा, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप थोड़ा मल्टी कैप स्कीम है, ये 2 आप इक्विटी कैटेगरी में लें। मिड कैप में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा एंड कैनरा रेबेको इमर्जिंग एक्विटीज़, ये मिड कैप स्कीम्स होंगी।
इसमें आप 10-10 हजार रुपए चार में डालिए तो 40 हजार रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। रहा सवाल डेथ का 10 हजार रुपए आईसीआईसीआई रेगुलर सेविंग्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और अगले सात साल तक निवेश करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छी एक्यूमुलेट हो सकती है वेल्थ एंड आई थिंक इंडिया इज पॉइज्ड फॉर अ गुड रिकवरी ऑन द इकोनॉमिक साइड। तो आपके रिटर्न 15-16% तक भी आ सकते हैं अगर 7 ईयर्स का टाइम फ्रेम्स हो तो। जी और चेरीलाल जी, और आपके जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो आप एक संस्थान खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। संजय कुमार जी एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? जी सर बताइए, आपने सवाल भी अपना भेजा था, थोड़ा सा और डिटेल्स में बताइए क्या लक्ष्य है आपका? जी मैम, मेरा लक्ष्य बच्चे की शादी लड़की की है और मैं 70 हजार रुपया का लक्ष्य रखा हूँ 15 साल के लिए। एक लाख एक मुश्त में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और एसआईपी जो है फिलहाल मैं 5-7 हजार करना चाह रहा हूँ, उसके बाद बढ़ा के 10 हजार तक करूँगा अभी। अच्छा आपने शुरुआत की ही नहीं है? नहीं, शुरुआत नहीं की है, मैं मतलब नया हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्लान बेहतर होगा। फिर भी आपका प्रोग्राम देखिए, मैं ये 6 प्लान जो है आपको सेलेक्ट करके जो भेजा हूँ। जी क्या वो सही है? ठीक है फिरोज, संजय ने कुछ फंड्स अपने लिए चूज किए हैं, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, मिराई एसेट इंडिया इक्विटी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसमें SBI ब्लू चिप भी है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज और SBI स्मॉल कैप भी है, पहले बार के निवेशक है, 15 साल में 70 लाख रुपए इनका लक्ष्य है और 1 लाख रुपए एक मुश्त निवेश की भी योजना, 10 हजार रुपए के SIP के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या ये जो ये चूज करना चाहते हैं फंड्स आपको सही लग रहे हैं? संजय जी के फंड्स अच्छे चूज किए हैं इन्होंने, आई थिंक काफी रिसर्च की है, फंड्स अच्छे चूज किए हैं। एक छोटे बदलाव मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, SBI ABSL का जो फ्रंटलाइन इक्विटी है आदित्य बिरला का, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसी फंड हाउस में ABSL इक्विटी फंड लेंगे तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा फ्रंटलाइन इक्विटी से। SBI स्मॉल कैप के बदले आप HDFC स्मॉल कैप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बाकी चार फंड्स जो आपने सजेस्ट किए हैं उसमें आप बिल्कुल निवेश चालू कर सकते हैं, बेटर लेट देन नेवर। संजय जी जल्दी से आप स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड का जरिया इस्तेमाल करना अपनी लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के लिए एक अच्छा माध्यम होगा, सो प्लीज यूज इट एज सून एज पॉसिबल। एक और लाइव कॉल इस वक्त हमारे साथ है, हर्ष है राजस्थान से। हर्ष जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए सर क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। जी सर बताइए। मैम मैं गंगानगर से बात कर रहा हूँ और मैम मैं अभी 3 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी, एक कॉटेक्स लेक्स फोकस फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2000 और 1500 रुपए मेरे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में और 1000 रिलायंस स्मॉल कैप में। ओके मैम, मैं एक्चुअली मैडम मैम कॉटेक्स सेलेक्ट फोकस फंड लार्ज एज ए लार्ज कैप मैंने उसे लिया था, बट फिर मैंने अब मैम वो सेबी के जो रूल्स है तो उसके अकॉर्डिंग वो मल्टी कैप में उनकी चेंज हो गई, तो मैं ये जानना चाह रहा था मुझे एक लार्ज कैप और ले लेना चाहिए या फिर इस ये ठीक रहेगा? टोटल कितना निवेश है आपका 4500 रुपए का? मैम 4500 रुपए पर मंथ में करता हूँ और कभी कभार मैं 1500-2000 उसमें परचेज कर लेता हूँ। अच्छा कब तक निवेश कर लेना चाहते हैं? मैम ये 20 इयर्स का गोल है मेरा, 22 भी हो 2022 ये तक इन्वेस्ट करूंगा मैं इसमें। हाँ तो ये 20 साल के लिए जो आपने निवेश की सोची है किस लक्ष्य के तहत? मैम ये बेसिकली तो रिटायरमेंट के लिए है ये गोल मेरा। और मैम एक सवाल और था मेरा, मैं मैम 25,000 HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में लगाना चाह रहा था लमसम, जो पहले HDFC बैलेंस फंड हुआ करता था, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये फंड अब वैसे ही रिस्पॉन्स देगा या फिर मैं कोई और फंड चूज कर। ठीक है 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए आपको कॉर्पस चाहिए, हर्ष कितने तक का कॉर्पस ये भी बता दीजिए। मैम 1.5-2 करोड़ लगभग। ठीक है फिरोज बताइए इनके फंड्स का सिलेक्शन, फिर 25,000 रुपए HDFC हाइब्रिड इक्विटी में डालना चाहते हैं वो सही रहेगा और 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए इतना निवेश आपको सही लग रहा है 3 फंड्स में? देखिए इन्होंने जो अमाउंट किया कहा है 4,500 पर मंथ,
और थोड़ा सा जब भी सरप्लस ज्यादा होती हैं तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं हर चीज। तो मेरे हिसाब से ये निवेश, क्योंकि आपके पास 20-22 साल हैं, तो ये निवेश काफी होगा 1.5 से 2 करोड़ इकट्ठा करने में। दैट्स द गुड न्यूज हर्ष साहब। आप जो स्कीम्स की अगर बात करें, आपने जो 3 स्कीम्स का मेंशन किया, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, उसकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है, अभी स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, पहले लार्ज कैप कैटेगरी था, बट वो जब लार्ज कैप कैटेगरी भी था तो उसमें ऑलमोस्ट 25-30% मिड कैप स्टॉक्स थे, तो पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट में इतनी तब्दीली नहीं आई है, खाली उसकी कैटेगराइजेशन बदल गई है। तो मेरे हिसाब से आपको स्कीम लार्ज कैप ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्क्यू इस पोर्टफोलियो का लार्ज कैप की तरफ ही झुकाव है, सो नो चेंज रिक्वायर्ड। पॉइंट टू, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में जो आप निवेश कर रहे हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा मंथली इन्वेस्ट करना हो वो HDFC स्मॉल कैप में करें, क्योंकि वो सेम फंड मैनेजर है बट फंड थोड़ा छोटा है, तो उसमें मैनेज करने में उनको कम दिक्कत आती है। तो HDFC स्मॉल कैप में जो भी आपके एडहॉक एक्स्ट्रा मनीज हैं उसमें डालिए। रिलायंस स्मॉल कंपनीज को रिप्लेस करके आप फ्रैंकलिन स्मॉल कंपनीज फंड में जाइए। जब भी कोई छोटी कंपनी का फंड खरीदा जाए तो फंड हाउस की प्रोसेसेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन की प्रोसेस स्टॉक सिलेक्शन की बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन है, पर्सन डिपेंडेंसी कम है, तो फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज वुड बी अ बेटर चॉइस। लास्टली, जो हर्ष आप पूछना चाहते थे, HDFC बैलेंस फंड जो अब हाइब्रिड इक्विटी हो चुका है, मैं आपको सलाह दूंगा कि उससे आप दूर रहें, और इस जो फंड्स मेंशन किया था उसी में आप स्प्लिट करें। डेट में फ्रैंकलिन डायनेमिक अक्रूवल फंड ऐड कर सकते हैं, अपना खुद का बैलेंस बनाएं, बैलेंस फंड की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप लमसम 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लाइव कॉलर से बात करते हैं। जबलपुर से प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए सर क्या जानना चाहेंगे। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल है कि मैंने 3 फंड सेलेक्ट कर रखा है, मेरे एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप, एक DSP ब्लैक रॉक में 1,500 का ELSS है, और एक कोटक सेलेक्ट पेपर्स में 1,500 की SIP है। ओके, पर मैं करना चाहता हूँ। 3 फंड्स में निवेश कर चुके हैं? हाँ मैम, और एक मिड कैप में रिलायंस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्या वो सही रहेगा? सर कितने की, मतलब कितने की SIP करने की सोच रहे हैं? 6 की मेरी चल रही है। 6 की, 6,000 रुपए? हाँ मैम। ठीक है, 3,000 मेरे एसेट्स में और DSP में 1,500 और कोटक सिलेक्ट फोकस में 1,500। ओके, और कब तक करना चाहते हैं, क्या होराइजन क्या है आपका, अवधि कितनी? 20 साल से ज्यादा। 20 साल, और क्या गोल? गोल मिनिमम 1.5। रिटायरमेंट का गोल है क्या सर? हाँ मैम। चलिए बताइए फिरोज, सही लग रहे फंड्स इनके आपको? प्रकाश जी के फंड सही है, कोटक का फंड सही है, DSP जो ब्लैक रॉक का फंड है आपका, उसमें थोड़े फंड मैनेजर की बदलाव आई है, CIO नागनाथ जो है उन्होंने रिजाइन किया है, काफी अर्जों से थे, और ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होता है उसमें फंड लॉक्ड इन होता है आपका 3 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से लॉक्ड इन फंड्स में आप बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में ही अपना पैसा रखें, छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में ना रखें, क्योंकि आपके पास वो ये नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि आप वो पैसा रिडीम कर पाएं, क्योंकि 3 साल की लॉक इन होती है ELSS में। तो उसमें आप रिलायंस टैक्स सेवर स्कीम का प्रयोग कर सकते हैं अपनी टैक्स सेविंग ATC के तहत जो बचानी है, बट ये माइनर मॉडिफिकेशन है प्रकाश जी। आई थिंक आपका जो 20 साल के ऊपर का लक्ष्य है, 6,000 रुपये पर मंथ की SIP में 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना विल नॉट बी एन अपहिल टास्क एट 14% रिटर्न, तो उसको बरकरार रखिए प्रकाश साहब, आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, मार्केट की ऐसी सिचुएशन में जिस लेवल पे अभी मार्केट है फिरोज, हम जानना चाहेंगे आप निवेशकों को कैसे फंड्स पे निवेश करने की सलाह देंगे? देखिए स्वाति जी, जैसे आपने कहा मार्केट बिगिनिंग ऑफ द शो, आपने कहा मार्केट ऑन द पीक है, पीक पे है, बट ये जो निफ्टी जो इतनी ऊपर आई है वो 3 स्टॉक्स के चलते वो ऊपर आई है, ज्यादातर रिलायंस, TCS, ये HDFC, ये स्टॉक्स भागे हैं, तो निफ्टी ऊपर आ गई है, बट ब्रॉडर मार्केट जो स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स हैं वो एक्चुअली जनवरी से लेके आज तक नीचे हैं। मिड कैप इंडेक्स 10-12% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्सेस 18-20% नीचे हैं, तो म्यूचुअल फंड की जो NAVs हैं वो काफ़ी आज गिरी हुई हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है एक निवेशक के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज की बात की, वो इस साल
14-15% उसकी एनएवी गिर गई है, तो आपको उसका फायदा उठा के अच्छे स्कीम्स को गिरे हुए प्राइसेस एनएवीज जो गिरी हुई प्राइसेस हैं 10-15% से उनको खरीद के अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए और okay. इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए. ब्रॉडर मार्केट्स हैव नॉट गॉन टू द पीक. स्वाति वेरी क्विकली, किन इक्विटी फंड्स में और निवेश करने की जरूरत है, आपके पिक्स कौन से होंगे? बिरला सन लाइफ इक्विटी एक अच्छा पिक है लार्ज कैप कैटेगरी में. लार्ज कैप कैटेगरी में आप रिलायंस लार्ज कैप देख सकते हैं. मिराय एसेट इंडिया इक्विटी स्कीम एक अच्छा स्कीम होगा लार्ज कैप कैटेगरी में. मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रेबेको, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड. स्मॉल कैप में HDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड्स कुड बी गुड फंड्स टू पिक. और डेट फंड्स में आपके कोई पिक? यस, डेट फंड्स में आप एक्सिस क्रेडिट रिस्क फंड पिक कर सकते हैं, रिलायंस क्रेडिट रिस्क फंड. ये दोनों फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं और ये बहुत सीमित रखते हैं, अपने रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करते हैं और 1-1.5% एक्स्ट्रा देने की क्षमता रखते हैं दूसरे डेट फंड्स के मुकाबले. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फिरोज हमारे साथ आज मनी गुरु के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए. तो मार्केट के उतार चढ़ाव में जब मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर होता है या गिरावट की तरफ होता है, आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है. क्या करना है क्या नहीं करना वो फिरोज ने आपको बताया. आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए जी बिजनेस.